ओके, और ये तो प्लस का थिकनेस है टी और डिवाइडेड बाय के, इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यस गॉट दिस, ये डायरेक्टली में इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, ई अपॉन के। ठीक है, तो यहां से हम देखिए कॉमन लेंगे, ई को टेकिंग कॉमन, तो कितना हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। गॉट दिस, समझ में आया क्या, ये हमारा पोटेंशियल निकल गया। अब मेरे को क्या टारगेट था कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को। ओके, देखिए आप इसको राइट डाउन। अब हमारे को क्या चाहिए, इसका कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैपेसिटेंस सी हो जाएगा क्यू अपॉन वी हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू पुट करके देखेंगे, क्यू तो रहेगा, यस, तो भी कितना है, ई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, कर दे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो क्यू अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला याद करिए, क्यू, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद है क्या, Q अपॉन क्या था प्लीज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, या उसको ऐसा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, तो मैं यही इसको चेंज कर देता हूं, आप इसको ऐसा लिख सकते क्यू क्यू अपॉन ए। ओके, क्लियर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, तो ये क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, तो उसको लिख सकते क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, पहले जब था फुल्ली फिट था तो ऐसा आ रहा था। ओके, तो आपको समझ में आया क्या, तो इस तरह से आप, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज राइट डाउन। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, यहां तक लिखिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, राइट डाउन, प्लीज लिखिए राइट डाउन, यस लिखिए आप, दिख रहा है क्या, ओ यस राइट डाउन, तो आई थिंक वन मोर क्वेश्चन आई विल डू, प्लीज राइट डाउन, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम कैपेसिटर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, सो लिखिए आप इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके ओके, तो आपके लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है आज, जो कैपेसिटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इज सी, हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस जो है सी गिवन है हम, हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ओके हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस सी गिवन है। कहता है इफ, अब कंडीशन क्या है, इफ एयर प्लेट, कोई एल्यूमिनियम का प्लेट जो है, मेटल का प्लेट जो है, ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, उसका नेग्लिजिबल थिकनेस का मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ओके, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कहता है जो कैपेसिटर्स है उसके बीच में हमने क्या किया है, एक नेग्लिजिबल थिकनेस का मेटल एल्युमिनियम का प्लेट रख दिया है, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स, कहता है नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्या वो इक्वल सी होगा, क्या वो लेस देन सी होगा, इट इज लेस देन सी, ऑप्शन है लेस देन सी, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन सी, ये है लेस देन सी, आप चाहे तो लिख सकते हैं लेस देन सी है ये ऑप्शन है ग्रेटर देन सी, जो थर्ड ऑप्शन है आपका है ग्रेटर देन।
सी ओके, क्योंकि पहले ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस सी है और नन ऑफ दीज, तो हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं ओके। देखिए आपको, आपको मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप ध्यान दीजिए, आपको जो बताया है उस कंसेप्ट से ही ये सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट यहां नहीं देना है ओके। तो आप देखिए, अभी हमने आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, अभी हमने लिखा है ओके। अब दो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है, क्या दिया हुआ है, नेग्लिजिबल थिकनेस दिया है, नेग्लिजिबल थिकनेस मीन्स टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, और दूसरा मेटल दिया है, तो मेटल का जो डायलेक्ट्रिक के होता है वो इंफिनिटी होता है। अभी दो इंफॉर्मेशन आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो, अरे दो इंफॉर्मेशन पुट किया और एक फॉर्मूला पता है, तो सेकेंड डो में आप इसका आंसर कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए आप देखिए डी माइनस जीरो प्लस टी अपॉन इंफिनिटी, ए भी टर्म्स जीरो आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए भी जीरो आ जाएगा, तो डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या रहता है, ये तो सी जो ओरिजिनल है वही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिया था, तो ये तो फॉर्मूला ही आ गया, मतलब इट इज इक्वल टू सी हो जाएगा, गॉट दिस, जो प्रीवियस कंडीशन है। तो आपको कैपेसिटर्स में, कैपेसिटेंस के ऊपर हम आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने जो बेसिक्स था आपको बेसिक्स आइडिया दिया है, जिसके बाद आप उसको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स आगे करेंगे ओके। तो हम इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज राइट दिस सॉल्यूशंस ओके, सॉल्यूशंस को राइट करिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्लीज नोट दिस, यस, ओके इसको नोट करिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ट्रिपल स्टार ओके, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चंस में भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में ये बातें एक बार फिर से आएंगी। फर्स्ट आप देखिए क्या है, पहले तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट यू राइट डाउन, दिस इज वेरी, सो मेनी थिंग्स इज टुगेदर, आई हैव कलेक्टेड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, एक साथ रखा आपके लिए, कहता आप कैपेसिटर्स इज चार्ज, एक बार हम आपको समझा देते हैं क्या है, आप उसको लिखिए, बाय एनी बैटरी, कोई कैपेसिटर्स है उसको किसी बैटरी से हमने चार्ज कर दिया है, एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड, फिर उसके बाद उस बैटरी को निकाल दिया, एंड अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस, और निकालने के बाद उसमें एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया, आप समझिए, पहला क्या है, कैपेसिटर्स है उसको हमने क्या कर दिया, किसी बैटरी से चार्ज कर दिया, बैटरी जैसे सर्किट में कैपेसिटर्स को ज्वाइन करेंगे तो कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएगा, और बाद में हमने बैटरी को रिमूव कर दिया है, ठीक है, सही कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एंड मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, और अब बाद में क्या किया, एक मीडियम भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, कहता है क्या क्या, कुछ पांच चीजें हमने ली है यहां, इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये सारे कंसेप्ट हम एक साथ आपको बताना चाहते हैं। पहला कह रहा है चार्ज का क्या होगा, कि अगर पहले तो हमने चार्ज कर दिया, बैटरी रिमूव कर दिया, तो चार्ज पर क्या इंपैक्ट होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरा आपसे पूछ रहा है कैपेसिटर्स पर क्या इंपैक्ट होगा, उसकी कैपेसिटी जो है स्टोर करने की चार्ज और एनर्जी, उस पर क्या है, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फिर कहता है प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या इंपैक्ट आए, फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिफ्थ है एनर्जी, इन पांच चीजों को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, सो प्लीज फर्स्ट राइट डाउन, देन वन बाय वन, चार्ज पर क्या इंपैक्ट होगा, दूसरा कैपेसिटेंस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे, और एनर्जी में क्या चेंज होगा, हम पांचों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर वन बाय वन आप देखिए लास्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस। अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे आपके लिए ओके, यस। तो देखिए पहला चार्ज था, तो चार्ज जो है आप याद रखिए, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा,
तो याद रखिए चार्ज जो है कांस्टेंट होगा, माने चार्ज जो आपने पहले था, बैटरी को रिमूव भी करेंगे तो चार्ज उसका क्या है, चार्ज कहीं जाता नहीं, एक बार चार्ज आ गया तो चार्ज उसका कांस्टेंट रहेगा। चार्ज के बाद दूसरा क्या पूछा था आपने, सेकंड क्या था चार्ज के बाद, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए कैपेसिटेंस ही होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके बीच में जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो के टाइम्स जो है डायरेक्ट्रिक टाइम्स जो है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस जो सी है ये क्या हो जाएगा, अगर पहले सी नॉट होगा तो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, कैपेसिटी सी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज होगा, ये तो आपने जो प्लेट जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मीडियम इंसर्ट किया है, सपोज करिए वो के है तो के टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला हो गया आपको चार्ज, दूसरा था कैपेसिटेंस, और थर्ड हमने आपसे क्या पूछा था प्लीज नोट करिए, थर्ड था पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड हमने आपसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है क्यू अपॉन सी, क्यू ओके, तो यहां से भी प्रोपोर्शनल क्या होता है वन अपॉन सी, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो भी जो होगा वो पहले के वैल्यू का क्या होगा, क्योंकि सी इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, तो भी जो हो जाएगा बाद में वो भी नॉट अपॉन के, अगर इनिशियल को हमने नॉट लिया है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस में वो डिक्रीज करेगा, इसको क्यू अपॉन क्यू, क्यू तो कॉन्स्टेंट है, भी इक्वल टू क्यू अपॉन सी लिखेंगे आप, क्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सी अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ओके गॉट दिस राइट, ये तीनों आप लिखिए, दो हम और डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इंपैक्ट होगा प्लीज राइट डाउन, और उसके बाद एनर्जी पर क्या इंपैक्ट आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, यहां तक लिखिए आप। ओके लिखा गया आपने, लिख लीजिए यहां तक, दो चीजें और आपको हम बताएंगे, एस एनर्जी में क्या इंपैक्ट होगा, ओके इट इज गोइंग ऑन, दो चीजें और हम बताते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्थ आपसे पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इंपैक्ट आएगा। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वी इंटू वी इक्वल टू पढ़ा था ना ई इंटू डी, वी इक्वल टू अभी क्या होता है, और ऐसे ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी डेल्टा वी वी डीवी इक्वल टू डीवी अपॉन डी एक्स, ये तो पढ़ा ही है ना आपने, इक्वल टू क्या पढ़ा आपने डीवी अपॉन डी एक्स, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा था अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है वो यूज कर लीजिए आप, मतलब भी क्या हो जाएगा ई इंटू डी, भी क्या हो जाएगा अभी आपने देखा है भी इक्वल टू ई इंटू डी देखा है कि नहीं, तो डी तो ही कॉन्स्टेंट होगा तो भी ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भी क्या हो जाएगा, आ रहा है क्या समझ में बात, अरे आया ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भी के, और भी क्या हुआ था डिक्रीज, सो ई भी क्या होगा चेंज होकर के, अगर इनिशियली ई नॉट होगा तो के टाइम्स जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। गॉट दिस, आपको समझ में आया क्या, तो उसमें वही चेंजेस आएंगे जो पोटेंशियल में आया है, पोटेंशियल में क्या आया था कैपेसिटेंस का उल्टा आया था, और चार्ज में क्या हुआ था चार्ज कॉन्स्टेंट था, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक साथ मैंने आपके लिए रख दिया है, प्रॉब्लम भी करके देखेंगे इट विल कम सेम। ओके और लास्ट के बाद फिफ्थ आपसे हमने पूछा था कि एनर्जी पर क्या चेंज आएगा, फिफ्थ क्या पूछा था एनर्जी। ओके लास्ट आप देखिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके तो यू इक्वल टू होता है हाफ क्यू भी, क्या होता है फॉर्मूला हाफ क्यू भी, हाफ तो कांस्टेंट है क्यू रिमेंस अनचेंज, और भी क्या हो रहा था भी रिड्यूस हो रहा था के टाइम, तो इसको देख के आप क्या लिख सकते हैं यू भी जो है रिड्यूस हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का के टाइम्स
रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने पांच बातें पढ़ी थी कि अगर कोई आपके पास कैपेसिटर्स है, आपने उसको चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कभी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा हमने पूछा था आपका पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में, तो क्योंकि एक सिंस एक प्लेट इंट्रोड्यूस हो गया था, सिंस अ प्लेट इज इंट्रोड्यूस सो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज। पोटेंशियल में क्या आया था, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, ओके, के टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम डिक्रीज हो रहा था और एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये पांचों चीजों में कैसे चेंज आएंगे आज हम यही रखते हैं, अगले क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, ओके। सो आज की क्लास हम यही ड्रॉप करते हैं। आई होप कि कैपेसिटर्स के बारे में आपको पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे, उसका सीरीज और उसका पैरेलल। इसके पढ़ने के लिए आपको पहले के जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड और आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लियर होना चाहिए। सो आई फिनिश द क्लास हियर, थैंक यू वेरी मच।